अरुणाचल प्रदेश में उग्रवादियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। तिरप जिले में उग्रवादियों ने हमला कर एनपीपी विधायक समेत 11 लोगों की हत्या कर दी है। इस हमले में विधायक के पीएसओ यानी कि सुरक्षा अधिकारी को भी गोली लगी है और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। हाल ही में विधायक तिरंग अभो ने एनपीपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आतंकियों पर इस हमले को अंजाम देने का आरोप है। इस घटना पर मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा ने ट्वीट कर दुख जताते हुए कहा, एनपीपी इस घटना से बेहद हैरान है और ये सुनकर बेहद दुख हुआ। इस हमले में विधायक तिरंग अभो की मौत हो गई। विधायक पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं अरुणाचल के एमएलए तिरंग अभो और उनके परिवार समेत 11 लोगों की निर्मम हत्या से हैरान और बेहद दुखी हूं। हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें।